इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं बलदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब विशेष पंजाब दियां चोणवियां ते विशेष खबरां। सो शुरुआत करदे हां, खबर लवांगे भगवंत मान दी। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आने वालियां पंजाब विधानसभा चोणां लई पार्टी दे मुख्यमंत्री अहुदे दे उम्मीदवार दा ऐलान कर दिता और पार्टी ने भगवंत मान नूं अज उम्मीदवार ऐलान दिता है। पहले ही दिन रात इसे काम से लगे हुए हैं। जे सत्ता का जे हरे रंग का पेन पंजाब नूं सुधारन वाला लोगों दी जिंदगी च फर्क लियाउण वाला उन्हां दा जीवन पद्धर उत्तरा चक्कण वाला जे पेन साढ़े हाथ च आया तो मैं थोनों यकीन दवाना अज करोड़ां लोग देख रहे होणगे कि वह पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक च चलूगा, गरीबां दे हक च चलूगा, वो किसी चेले चपटियां दे जां चमचियां दे हक च नहीं चलूगा, वो लोकां दे हक च चलूगा। बाकी हौसले नहीं हारने, जंग जित लैनी आपां, उहदे वास्ते मेहनत करनी पऊ। अजे जिन्ना चिर रीवन च नहीं बजदे पिछे मुड़ के नहीं देखना। सो पहला सफर है कि आपां सरकार बनाईए, वो तो बाद निराश नहीं होना कि की करिए ऐ हो गया कुछ नहीं हुंदा। पंजाब बहुत वारी डिग्गया है पर पंजाब बहुत वारी उठिया भी है, पंजाब पैरा सिर खड़ा होना जानदा है। सो आप दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम चेहरे का ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों की राय तो बाद सीएम चेहरे लिए भगवंत मान का नाँ ऐलानिया। इस दी खुशी विच राजपुरा के बावलपुर भवन में नीना मित्तल की अगवाई में खुशी समारोह जिहड़ा वो करवाया गया ते खुशी प्रगट की गई है। तो चार तस्वीर तुसी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि बरनाला, संगरूर, राजपुरा ते अमृतसर दे विच आम आदमी पार्टी के समर्थकों वालों जिहड़ा वो खुशी जाहिर की गई है। कि लड्डू वंड के कि ढोल बजा के कि नच टप के जिहड़ी आ खुशी जिहड़ी आ जाहिर की गई है। भगवंत मान नूं सीएम चेहरे वजों जिहड़ा पार्टी ने ऐलानिया हैगा उसनों लैके समर्थकों के भारी खुशी जिहड़ी है वो पाई जा रही है। सो आम आदमी पार्टी ने अज भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा वो ऐलान दिता और मान दे सीएम चेहरे बनन ते सीएम चेहरा ऐलानण ते जिहड़ा मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने भगवंत मान नूं मजबूरी च जिहड़ा वो सीएम चेहरा ऐलानिया हैगा। पंजाब दे मसले हल करना आसान गल नहीं है। जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के पास चेहरे थे, यकीनी तौर पर उसमें से भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को मात देने में कामयाब हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते तो नहीं थे उसको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना, लेकिन मजबूरीवश उसको पेश करना पड़ा। लेकिन भगवंत मान एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, कीबाज भी हो सकते हैं, हंसाने के भी काम आ सकते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार चलाना एक सीरियस इशू है। 4 लाख करोड़ के कर्जे में से पंजाब को निकालना, नशा मुक्त पंजाब को कराना, ये सबसे बड़ा मजाकिया सवाल होगा। अगर ये कहा जाए कि भगवंत मान अब पंजाब को नशा मुक्त करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह होगा उनके ऊपर, जो लोकसभा के अंदर भी जिस तरह का व्यवहार उनका नशे को लेकर रहा और जिस तरह से वो दारू पीकर ही लोकसभा में पहुँच जाते थे। पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पंजाब को इन हालातों से बाहर निकाल सके, ना कि पंजाब को और इन हालातों में आगे धकेल सके। इसीलिए पंजाब के लोग आज आम आदमी पार्टी पे विश्वास नहीं करते। पंजाब के लोगों ने बहुत विश्वास किया, 4 लोकसभा की सीटें जीत के दी, 20 से ज़्यादा MLA बना के दिए, सब छोड़ छोड़ भाग गए। उनको क्यों भाग गए? क्योंकि सब में आ गया कि पंजाबी उनके साथ नहीं। तो इसलिए भगवंत मान को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हो ना हो, लेकिन उनका मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनने का सपना तो साकार हो गया। देखिए, ये किसी के रिश्तेदार के साथ जोड़ने की हमें ठीक नहीं होगा। ये तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार गैर कानूनी माइनिंग का काम क्यों कर रहा था, ये तो सवाल हो सकता है, लेकिन ये तो सवाल ही गलत होगा कि ईडी जो है मुख्यमंत्री के या रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या कोई भी जो गलत काम करो उस पर छापा क्यों मारे, ये तो सवाल ही गलत होगा। ईडी एक इंडिपेंडेंट जो है एजेंसी है, ना तो मैं उनके ऊपर बोल सकता हूँ ना मेरे को कोई अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी गलत करेगा वो गलत कामों के दायरे में आता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। और ये बात तो नवजोत सिंह सिद्धू बार बार चला के कहते रहे हैं कि पंजाब के अंदर माइनिंग माफिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा कि हमारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं,
नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट है। और बड़ी बात क्या है कि 2018 में जब ये केस शुरू हुआ था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी, और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो तब चन्नी जी ने यह भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का। नहीं, अब दुख किस चीज़ का है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल तो मैंने फिर कहा कि एक अच्छे नौटंकी बाज है, दुख किस चीज़ का है? या तो कहें कि जो लोग माफिया कह रहे हैं, तो कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं माफिया खत्म करूंगा, अब जब माफिया पे कार्रवाई हो रही तो कह रहे मुझे दुख है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है, आज उसको दुख दिखने लग पड़ा। जब कार्रवाई हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के MLA भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अरविंद केजरीवाल के मौजूदा जो इनको कैंडिडेट अनाउंस किया वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनके नाम बकायदा कांग्रेस के मंत्री लेते रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये जो सारा नेक्सस चल रहा है माफिया का, उसमें उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद उनको दुख हुआ। तो आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान नू CM चेहरा अज एलानिया गया, और इस नू लैके पंजाब दे कैबिनेट मंत्री राजकुमार वीरका का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सर्वे नाल असली CM का पता नहीं लगता, पंजाब दे लोग वोट पा के CM की चोण करनगे। नकली सर्वे से असली चेहरा सामने नहीं आता, असली सर्वे वो होता है जब लोग वोट डालते हैं। हकीकत से तब आदमियों का सामना होता है जब लोग वोट डाल करके किसी को चुनाव में जिताते हैं, उसे कहते हैं। और ये नकली सर्वे करवा करके ये कहना कि 22 लाख लोगों ने भगवंत मान को पसंद कर लिया है, भैया ये चेक करके देख लेना, आपको कभी 5 लाख वोट तो पड़ी नहीं, 22 लाख लोगों ने आपको पसंद कर लिया है। हकीकत तो ये है कि केजरीवाल डर के मारे भाग गए जब ये सर्वे हुआ, ये पता चला कि सबसे ज्यादा देश में जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है वो चरणजीत सिंह चन्नी है। चरणजीत सिंह चन्नी की पॉपुलैरिटी से घबरा करके जो भाग गए केजरीवाल, और भगवंत मान को वो तब सामने लेकर के आए जब जमानते जब्त होनी है, और जमानते जब्त करवाने के लिए भगवंत मान के ऊपर केजरीवाल। सो गल हुण कांग्रेस की खाना जंगी की कर लें। दरअसल बटाला सीट में लैके कांग्रेस विच जिहड़ा वो पेज फसदा होया नज़र आ रहा, और बटाला तो चोण लड़न नू लैके तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जो कि कैबिनेट मंत्री ने, उन्हां दा बयान सामने आया। उन्होंने बटाला सीट दे विच अपनी दिलचस्पी दिखाई है, नाल दी नाल उन्हां दे हक दे विच कई सरपंच जिहड़े और कई अहुदेदार ने जिहड़े उन्हां दे हक दे विच नितरे ने, ते उन्हां दा कहना है कि तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा नूं ही बटाला तो चोण लड़नी चाहिए है। दूजे पासे अश्विनी सेखड़ी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे ने। बाजवा का कहना है कि 2 टिकटां ना देनिया कोर्ट का फैसला नहीं है, और पार्टी नूं जिहड़ा इसके उपर विचार करना चाहिए। तो मेरे बटाले हल्के दे सारे कौंसलर, मजॉरिटी कौंसलर, 95% सरपंच आए ने, ये दबाव बना रहे ने मेरे वास्ते भी तुसी जो तुहाडे परिवार च कोई जी इत्थे बटाले च लड़े। मैं हाईकमांड नूं कहांगा कि इन्हां दे सेंटीमेंट्स नूं ध्यान च रखदे होए इहदे बारे रीथिंक करन, जे नहीं तां देखो साडा ध्यान ते आ वी पंजाब च कांग्रेस सरकार किवें बननी है। कांग्रेस सरकार बनाउण लई प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी की, उहदे मुताबक इन्हां नूं फैसला करना चाहीदा। ये कोई 2 टिकटां नहीं देणियां सुप्रीम कोर्ट दा फैसला नहीं, अपनी सोच है, हाईकमांड की अपनी सोच है जी, किसी वे बदली जा सकती है। जो कि चौधरी संतोख जी के बेटे ने टिकट दी है, भी एक परिवार से 2 टिकटा ने, उन्होंने परिवार को भरा करतारपुर टिकट दी है, वह भी एक परिवार से ने, 3 टिकटा एक परिवार च लग गई ने। डॉक्टर अमर सिंह होर बेटे ने टिकट दी, वह भी एक परिवार चा। तो फिर साढ़े बारे क्यों SC वीर लिए तो कोई फार्मूला नहीं, SC वीर तो कोई फार्मूला नहीं, फिर साढ़े बारे क्यों फार्मूला बनाया जा रहा? असी चाहते हैं भी कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए है पंजाब च। मैं लोगों मुताबिक जरा जो लोग कहें जो इन्हें सर्वे कराए वो मुताबिक देख, पर यह भी नहीं गल पे फतेहगढ़ चूड़िया छड़ के भजना चाहता, फतेहगढ़ चूड़िया भी रखना वा। जे कांग्रेस सरकार जे पार्टी सानू 2 टिकटा देगी तो असी 2 सीटा जिता नहीं, यहोजी गल नहीं हैगी। मैं उन्होंने मंग है, पर मैं हाईकमांड के नाल हाँ, जो हाईकमांड आखेगा वो मुताबिक करा। मैं तो हाईकमांड को कह रहा, रिक्वेस्ट कर रहा भी ग्राउंड रियलिटी देखो, प्रैक्टिकल सोच रखो, ये ठीक नहीं है। सरकार बनानी पंजाब जरूरी है ना।
ਸੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਪੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਥੇ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਪੇ ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਈਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਵਰਕਰ ਪੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇ ਲੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੋ ਇਨਕੋ ਈਡੀ ਕੀ ਰੇਡੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਹ ਸਭ ਦਬਾਅ ਝੇਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਂਗੇ ਉਤਨੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਆਗੇ ਬੜਾਏਂਗੇ, ਯੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਵਿਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਔਰ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸਕੀ ਪੁਖਤਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਮਾਰੇ ਮੰਤਰੀਓ ਕੋ ਔਰ ਮੁਝੇ ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2017-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं। मैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर जी रेड हुई है उसनों लैके कांग्रेस के आगू रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बयान जोड़ा सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जान बुझ के बनाया जा रहा, निशाना बनाया जा रहा और भाजपा जी कुछ ही राजनीति कर रही है। मुकदमा चल रहा है, चालान के अंदर कुदरत दीप की भूमिका ही नहीं दिखती। आज ये कहा जा रहा है कि ये कुदरत दीप की दोस्ती या जान पहचान भूपेंद्र सिंह हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी। वो नौजवान जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापिस आया है, भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है। पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं FIR में नाम नहीं। मैं आप सबको पत्रकार मित्रों को जानता हूं, तो कल आप में से या मुझ में से अगर कोई जुर्म कर दे तो क्या आप सब पर भी FIR और ED की रेड हो जाएगी? यह कौन सा मापदंड और तरीका नया है? तो इसलिए जब कुछ नहीं मिला, जब राजनीतिक तौर से सारी चीजें खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो इस प्रकार के उल जलूल बेतुके और बचकाने इल्जामात लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई। और साथियों,
आजकल खूब नूरा कुश्ती चल रही है मोदी जी और केजरीवाल जी में। जब 10-15 मिनट के लिए काफिला रुक जाता है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री की डिफेंस में कौन कूदता है? अरविंद केजरीवाल जी महोदय सबसे पहले चन्नी साहब और उनकी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। और आज जब ना चन्नी जी को मालूम था, ना पत्रकारों को मालूम था, ना अखबार नवीसों को मालूम था कि ईडी की रेड होगी, तो ईडी की रेड होते ही पहला बयान किसका आया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। दोनों मिलकर पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक नाजायज काम करता है और दूसरा उसे सही बताता है। अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो फिर उन किसानों के आंदोलन को नाजायज बताकर चन्नी सरकार पर हमलावर अरविंद केजरीवाल होते हैं। सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के घर छापेमारी को लेकर कैबिनेट मंत्री राजकुमार वीरका का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर चोणों के मौसम के जोड़ा तंग परेशानी करन की जी कोशिश हो रही है। ये कहते हैं कि डरे ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, कांग्रेस वो इनकलाब है। कांग्रेस को कभी बीजेपी डरा नहीं सकती। धमका करके वो वोटे हासिल करना चाहती है, डराना चाहती है, और जिस तरीके से ईडी का वो रेट करवा के इस्तेमाल करना चाहते हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, ये निंद्रिय है। और कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। एक बात का ध्यान रखना, ये बीजेपी की पहले भी सारी जमानतें जब्त हुई थी, आज भी जमानतें जब्त होगी। ये जितने मर्जी हथकंडे अपनाने, बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं। सो इंडिया न्यूज़ पंजाब दी टीम ने साबका सेहत मंत्री और मौजूदा मोहाली तो जिहड़े विधायक ने बलबीर सिंह सिद्धू नाल खास गलबात की है, और उन्हां दा कहना है कि जो आगामी 2022 दीआं विधानसभा चोणां दे विच जो उन्हां ने विकास कारज करवाए ने मोहाली हल्के दे विच, उस नूं लैके ही वह लोगों के जाणगे। और इस दे नाल ही भगवंत मान नूं सीएम का चेहरा एलानण दे उपर भी बलबीर सिद्धू ने की कुछ किया, वह भी तुहानूं सुना दिंदे आ। लगातार चोणों का सीजन चलता आ रहा है, तो साढ़े नाल तीन बार विधायक रह चुके बलबीर सिंह सिद्धू मौजूद ने, तो चौथी बार हुण विधायक की टिकट लेके अपने हल्के दे विच घूमते हुए नजर आ रहे। बलबीर जी किवें देखते हो चौथी बार टिकट मिली है, किहड़ी प्राप्तियां लेके हुण तुसीं लोकां दे विच विचरोगे? देखो मैं तो प्राप्तियां ने, तुसीं सारे पिंडां चले जाओ, टोटल पिंड किसी पिंड जाके पुछो विकास होया, एक भी सिंगल बंदा पंजाब इदा पिंड नहीं है, जब मेरा महला कंस्टिट्यूएंसी को एक जगह पर भी गली कच्ची हो, हर गली पक्की है, हर जगह पर हर सुविधा हैगी है, और बहुत सारे बढ़िया हॉस्पिटल बनाते मोहाली, होर भी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ले आता, नर्सिंग कॉलेज ले आता, बड़ा हॉस्पिटल 6 सैक्टर बनाने जा रहे हैं, पिंड हेल्थ वैलनेस सेंटर बनाते, डिस्पेंसरियां बना रहे हैं, तो जानी लोगों से बहुत बड़ा बड़ा उत्साह है, और चन्नी साहब के बन तो बाद हो उत्साह बढ़िया है, तो इस नाल असी जी अगली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो देखिए जाए तो आम आदमी पार्टी की गल कर लीए, तो आम आदमी पार्टी ने जो हूँ भगवंत मान सीएम चेहरा ऐलान दिता गया, हालांकि थोड़े वालों हजे कोई ऐलानिया नहीं गया, किमें देखते हो उस चेहरे को? मेरे ख्याल से उन्होंने किसी कोई बड़ी ऑफर नहीं आई केजरीवाल साहब ने, इस करके उन्होंने ऐलाना पेगा, जो कोई बद पैसे आ जाता जिम्मे मोहाली से उन्होंने टिकट दी है, शायद उन्होंने ऐलान देंगे। जी मोहाली की गल कर ली, तो मोहाली में कुलवंत सिंह टिकट दे के थोड़े बराबर तारे, किमें देखते हो इस मुकाबले? कोई मुकाबला नहीं साडा, कुलवंत सिंह तो खुद MC इलेक्शन भी हार चुके हैं, तो वह कहता मुकाबला करेगा? वो ना वो पब्लिक डीलिंग है, वह तो एक बड़ा रियल स्टेट का मालिक है, वो पैसे टिकट तो खरीद सकता, वोटर नहीं खरीद सकता। पर गल की जाए जे पैसे की गल की जाए तो देखिए यह भी जाता कि थोड़े जो तुम मंत्री रहे हो तो थोड़े उत्ते इल्जाम भी लगाए गए हैं, फतेह किड्डा वेचने के इल्जाम लगाए गए हैं, तो होर कपड़े के आराम थोड़ा नाम आता रहा, तो उसको किमें देखते हो कि लोग स्वीकार? पहली गल तो यह है, जो मेरे तो कोई फतेह किड्डा या कोई दूजा तीजा इल्जाम लाता है, वह कोई प्रूव करके दिखाऊँ। दूसरी गल एक कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन ही नहीं, उस कमेटी चेयरमैन चीफ सैकटरी पंजाब विनी महाजन से, वो ना चार अफसर से, वो सारे सीधे SDR अफसर परचेज करते स्टेट एडजस्ट रिलीफ फंड के, और मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट कोई लिंक ही नहीं,
इवें गलत गमराह करके चुका तो यह सारी गल्ला सामने आईया ने तहकीकात की गई है। कोई मैनू ये नहीं कि मैं मैंने हटाया सी मैंने हटाया मैं किटा का होया जब वैक्सीनेशन की वैक्सीन की गल करते हैं जी वैक्सीन दी प्राइवेट हस्पताल तो बिनी मार्जन दी विकास करके दी मेरा उस रोल है वैक्सीन दिल्ली आई उन्होंने देती लेकिन उन्होंने जो मैंने पता लग्या भी इन्होंने वैक्सीन अगे प्राइवेट हस्पताल सेल की है मैं नाल जो फैसला रिवर्ट करता रोलबैक किया तो लास्ट यही पूछन जाऊँगा कैप्टन अमरिंदर सिंह किए देखते क्योंकि हालांकि थोड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहला हूँ बीजेपी चले गए हैं उन्होंने भी मुकाबला हूँ भी अगे दौड़ कर रहे हैं कि वह भी मुख्यमंत्री चेहरा हिलाने जा सकते बीजेपी क्योंकि हजे तक हिलाने नहीं गया। नहीं देखो मुख्यमंत्री सी वह मैं पहले भी कह के हटिया मुख्यमंत्री तो उन्होंने आप छी है जेकर वो लोगों को मिलते लोगों से आते लोगों प्यार बधाते एम एल ए ना रखते ब्यूरोक्रेट के उत्ते ना भरोसा करते एक पोलीटल वेलना सरकार चलाते शायद अज दिन आ देखने का मिलने ठीक तो यह बलबीर सिंह सिद्धू जो कि अपने हल्के का दौरा करते हुए नजर आते लगातार सवेर तो लेकर जो दौरे करते हुए नजर आते हैं तो कितना कित हूँ बलबीर सिंह सिद्धू जी अपनी जित का हवाला देंदे हुए नजर आए तो दूसरे पास कुलवंत सिंह जिहड़े इन्हां दे मुकाबले मोहाली के विच खड़े हुए हैं मोहाली के उन्होंने मुकाबला ना कहते हुए नजर आ रहे कि जो उन्होंने कितना कित हार का सामना देखना पवेगा तो कांग्रेस पार्टी जी जित के अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आएगी। मोहाली तो वीडियो जर्नलिस्ट मोहित नाल सभी तो फिलहाल पंजाब विशेष के इन्ना ही मैं बलदीप सिंह दो इजाजत तो मुड़ तो पंजाब के विशेष के चोणवियां खबर विशेष खबर लैके फिर तो हाजिर होवोंगे उदों तक इजाजत दो धन्यवाद।